अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैस ऑटोमोबाइल। गाइस, बहुत दिनों से डिमांड रही है होंडा एंड वैगन की, तो इसका जो पिछला मॉडल था उसका तो मैं रिव्यू ले आया हूँ, लेकिन आज जो है वो उसका नया मॉडल जो 2020 में गाड़ी लॉन्च हुई है एंड वैगन, उसका मैं रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। तो बहुत ही स्पेशल गाड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल है और नॉर्मली आप जो है वो घरेलू यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल एवरेज इसकी 22+ है और बाकी गाड़ी की मैं तमाम डिटेल्स देता हूँ। वैसे गाड़ी ये प्रोवाइड की है हमें अजवा मोटर्स गुजरा वाला ने, तो स्पेशली थैंक्स टू अजवा मोटर्स। और बाकी इस गाड़ी के बारे में बताऊँ, 2020 में गाड़ी जापान में लॉन्च हुई है और 2022 में अभी इस शोरूम पे आ गई है। तो बाकी फ्रंट प्रोफाइल में गई आपको होंडा का लोगो मिलेगा इसमें और प्रोजेक्शन लाइट्स आपको हेडलाइट में मिलेंगी, ऊपर आपको इंडिकेटर लाइट हैलोजन मिलेंगे, बम्पर में आपको फॉग लाइट्स नहीं दी गई लेकिन वहाँ पर आपको ग्रिल दी गई है ब्लैक कलर की। तो गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है और ये इसका GL एडिशन है, GL लिमिटेड एडिशन होता है, टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं और बहुत सारे फीचर हैं। और ये शुरू करते हैं इसकी सैड प्रोफाइल भी देखते हैं। आइए मैं सैड प्रोफाइल की गाइस बात करें तो उसमें आपको जो वो सबसे पहले डोर हैंडल्स बॉडी कलर में है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर में मिरर मिलेगा, साथ में इंडिकेटर लाइट मिलेगी, इसके जो ग्लास है वो टिंटेड है, ऊपर आपको सनवाइजर मिलेंगे और इसमें बाकी लाइटिंग तो नहीं आते क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन नहीं है। बाकी अब आते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक प्रोफाइल में गाइस सबसे पहले LED ब्रेक लाइट्स मिलेंगी, हाई माउंटेड ब्रेक लाइट मिलेगी, बैक सेकेंड वाइपर मिलेगा, उसके बाद बाकी देखें तो रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर लाइट, एंड वैगन का होंडा का आपको मोनोग्राम मिलेगा। ट्रंक स्पेस देखें तो ट्रंक स्पेस में आपको इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन जितना गाड़ी का साइज़ है जिस तरह की गाड़ी है तकरीबन ट्रंक स्पेस जो है वो गुजारा कर जाएगी। ये देखें ये बाकी नीचे टूल किट वगैरह भी आपको दी जा रही है। इसको क्लोज करके चलते हैं गाड़ी के रेयर पर, डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर दिखाता चलूँ तो स्पीकर्स मिल रहे हैं, पावर विंडोज़ मिल रही हैं और 2-टोन कलर के साथ है ये। बाकी इंटीरियर में देखें तो फैब्रिक की सीट्स हैं, सोफ़ा सीट्स हैं और ये भी 2 कलर में दे रही हैं, ब्राउन और तकरीबन बेज कलर में। सेंटर में बम्प नहीं है तो लेग स्पेस आपको दिखा दूँ तो बहुत ज़बरदस्त है, ये सीट फुल पीछे है इस टाइम अभी और तो वो भी बहुत ज़बरदस्त इसके फ्रंट पर। सो स्मार्ट एंट्री का बटन मिलेगा सबसे पहले तो आपको यहाँ पर, बाकी आप की भी इंसर्ट कर सकते हैं, की मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पर 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट है, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और की आपको दिखाऊं तो दिस इज़ अ की फॉर दिस कार, जहाँ पर आपको लॉक अन लॉक के होंडा के बटन मिल रहे हैं। सो यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो तमाम विंडोज़ पावर हैं, ड्राइवर साइड ऑटो है, विंडो लॉक का बटन मिलेगा, सेंट्रल लॉकिंग के बटन मिलेंगे और बाकी पोस्टर बटन आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा। गाड़ी सिस्टम स्टार्ट है, गाड़ी का आप इंटीरियर देख लें, यहाँ पर 140 की मैक्सिमम स्पीड है, RPM मीटर आपको दिया जा रहा है, स्पीडोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर आपके पास जो है वो ऑटो ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और स्पोर्ट्स के फीचर के साथ, इकॉनमी मोड भी आपको मिलेगा उसके साथ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड के बटन आपको मिलेंगे। बाकी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, आप यहाँ से मल्टीमीडिया को भी ऑपरेट कर सकते हैं, इस साइड पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा और क्रूज कंट्रोल इसका अडाप्टिव है क्योंकि इस गाड़ी में रडार आता है, तो रडार के फीचर जो हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर दिखाऊं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिलेगी, पार्किंग सेंसर्स का बटन है और लेन डिपार्चर असिस्ट, एंटी कोलिजन सिस्टम और हेडलाइट एडजस्टमेंट की सेटिंग है, कप होल्डर्स भी आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कप होल्डर आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो ग्लव बॉक्स है, ऊपर भी बहुत पैनल है और 3 कलर्स में आपको दिया जा रहा है, बेज कलर है, वाइट है और उसके ऊपर ब्लैक है। इस गाड़ी की खास बात यह है इसमें 6 एयरबैग्स हैं सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से और ABS सेंट्रल लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया जाता है और बाकी एक डैशबोर्ड पर एयरबैग, एक स्टेरिंग पर SLS एयरबैग की बैजिंग आप देखेंगे, 2 फ्रंट पिलर्स पर हैं और पिलर्स पर हैं, ये देखें तो 6 एयर बॉय इस गाड़ी में आपको दिए गए हैं। हेडर्स का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा और बाकी नीचे अगर देखें तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की जब आउटपुट मिलेगी, सॉरी आउटलेट 12 वोल्ट की, और बाकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो देखते हैं तो अप एंड डाउन है लेकिन इसे आप बाहर की तरफ नहीं निकाल सकते। तो अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, इंजन भी ये इसका आपको दिखा दूं तो आइए मेरे साथ। तो आते हैं इसके इंजन की तरफ गाइस, ये है इसका G660 CC का इंजन, होंडा अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी का,
और होंडा ने भी अपनी 660 cc गाड़ी जो हम तारफ कराई हैं जिनमें से एक ये है 300 गाड़ी है। बाकी फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है इसकी, तो 22+ आपको मैंने बताया कि अंडर सिटी में देती है। लॉन्ग पे आप इसका और ज़्यादा लगा सकते हैं, बेहतर करेगी। सो कैसी लगी गाड़ी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इसकी प्राइस की बात करूँ तो 26,50,000 यानी 26,50,000 इसकी डिमांड की जा रही है। 20 मॉडल 22 की इंपोर्ट है और GL एडिशन है इसका और बहुत ज़बरदस्त कलर के साथ है गाड़ी। सो कैसा रखा आज के रिव्यू ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।